ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड। दोस्तों नमस्कार, लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है और आज यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं ऊर्जा ग्लोबल की। दोस्तों यहाँ पे काफी लंबे समय से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्टॉक है जो यहाँ पे बहुत ज्यादा तेजी नहीं दिखाया है। जहां तक स्टॉक डाउन साइड आता हुआ नजर आया, अगर 6 मंथ में अगर आप देखें तो 23% की गिरावट है और 1 महीने में 2.92% की तेजी देखने को मिला है मात्र। तो यहाँ पे 28 जून को अगर आप देखोगे तो 2100 रुपये का ही देखने को मिल रहा था, लेकिन ये रिसेंटली अगर हम देखें तो थोड़ा सा स्टॉक प्राइस में तेजी देखने को मिला, फिर से वापस गिरावट। तो यहाँ पे एक तरह से कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है स्टॉक। यहाँ पे इसी लेवल पे आप देख सकते हैं इस चीज को। और यहाँ पे कंपनी Q1 क्वार्टर की रिजल्ट्स अनाउंसमेंट करने वाली है, तो यहाँ पे बहुत जल्द आपको यहाँ पे Q1 क्वार्टर का रिजल्ट्स देखने को मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ऊर्जा ग्लोबल के फ्यूचर के लेके, एक तरह से काफी ज्यादा यहाँ पॉजिटिव है, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस में यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बहुत ज्यादा पेनी स्टॉक, एक तरह से मल्टी वैगर स्टॉक बनता हुआ नजर आया है। 2020 में 91 पैसा पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता था, उसके बाद स्टॉक में एक बड़ी रैली देखने को मिला और वो रैली यहाँ पे आप देख सकते हैं 33 रुपया 2022 में पहुंच गया था। और उसके बाद ये स्टॉक बेसिकली अगर हम बात करें सेकेंड टाइम जब ये हाई लगाया तो ये 40 रुपया क्रॉस कर गया था दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे 2024 में 40 रुपया तक ये स्टॉक चला गया और उसके बाद वापस गिरावट हुआ और इस स्टॉक में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। तो ये कंसोलिडेशन है जो कब तक रहेगा और यहाँ कब तक तेजी आ सकती है ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड के अंदर, सारी चीजें चर्चा करने वाले हैं, पूरी डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड के अबाउट। तो यहाँ पे कहीं पे जाइएगा नहीं, यहाँ पे वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चलें, जिससे कि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इस वीडियो को देखें। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं दूंगा क्योंकि मैं यहाँ पे सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको इस स्टॉक के अंदर किसी भी प्रकार की एक तरह से बाइंग करनी है या सेल करनी है, एक तरह से गाइडेंस लेनी है, रिकमेंडेशन पानी है, तो आप अपने फिनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। चलते हैं बात करते हैं यहाँ पे ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड के अबाउट और जानते हैं सारी चीजें। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ऊर्जा ग्लोबल बेसिकली यहाँ पे एक तरह से ये सोलर से रिलेटेड काम करती है, सोलर प्रोडक्ट से रिलेटेड काम करती हुई नजर आती है, LED एसिड से बैटरीज बनाती हुई नजर आती है और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स भी बनाती है, जो आपको देखा होगा कि ई रिक्शा जिसको हम बोलते हैं वो भी यहाँ पे कंपनी बनाती हुई नजर आती है। इनके पास कंपनी के पास 38 डीलर नेटवर्क है, 59 नंबर ऑफ सेल्स एंड सर्विस टीम देखने को मिलता है, 22 डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क देखने को मिलता है, 10 मिलियन कस्टमर है इनके पास। तो यहाँ पे कस्टमर बेस तो अच्छा खासा यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इनके जो प्रोडक्ट हैं काफी अच्छे हैं, ISO सर्टिफाइड कंपनी है। और ये कंपनी बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ग्रीन से रिलेटेड, क्लीन एनर्जी से रिलेटेड, सोलर होम लाइटिंग सिस्टम, सोलर लैंटर्न्स की अगर हम बात करें, सोलर स्ट्रीट लाइटिंग की बात करें, रूफटॉप सिस्टम की बात करें, सोलर PV पैनल्स की बात करें, तो ये सब सारी चीज उससे रिलेटेड कंपनी काम करती है। अब हम आते हैं इनकी जो बैटरीज बनाती है, ऑटोमोटिव बैटरीज, ई रिक्शा बैटरीज बनाती है, इन्वर्टर एंड ट्यूबुलर बैटरी की बात करें या सोलर बैटरी की बात करें, ये सब सारी चीज़ों से रिलेटेड काम करती है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग भी करती हुई नजर आती है, जिसका ब्रांड नेम ई लाइफ है, ईजेस है, रुद्रा है, चेतना है। और यहाँ पे इस टाइप की अगर हम देखें ई रिक्शा कंपनी यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। तो एक तरह से इनका जो फ्यूचर है वो सारी चीजें यहाँ पे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड काम करती हुई नजर आती है। तो यहाँ पे होपफुली कि आने वाला फ्यूचर काफी अच्छा आपको देखने को मिल सकता है। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले यहाँ पे कंपनी की जो मार्केट कैप है 1149 करोड़ का ऑलरेडी हो चुका है। और यहाँ पे कंपनी का जो PE काफी ज्यादा हाई पे आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी के EPS देखें तो 4 पैसा का देखने को मिल रहा है। रिजर्व इनके पास 121 करोड़ का है और इनके पास डेप्ट 5 करोड़ 2 लाख का है। तो यहाँ पे डेप्ट इक्विटी काफी कम है, तो 0.03%, तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि पेनी स्टॉक में वर्चुअली डेप्ट फ्री कंपनी है ये कंपनी। और इसके अंदर प्रमोटर बहुत कम होल्डिंग रखते हैं 19.4% का, और प्लेजिंग परसेंटेज की बात करें तो 0% शेयर यहाँ पे प्लेस्ड है, यानी अगर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ना के बराबर प्लेजिंग है और यहाँ पे कुछ भी प्लेजिंग नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। और यहाँ पे जो प्रमोटर है वो यहाँ पे कम होल्डिंग जरूर रखे, लेकिन यहाँ पे FIS की भी होल्डिंग देखने को मिल रहा है। इतनी छोटी कंपनी के अंदर 0.44% की होल्डिंग FIS की भी होल्डिंग है दोस्तों। यहाँ पे रिसेंटली अगर आप देखोगे तो जून क्वार्टर में FIS ने अपने 2 क्वार्टर से अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं, जो यहाँ पे
पॉजिटिव पॉइंट दे रहा है कि यहाँ पे स्टॉक प्राइस में तेजी आने वाली है और तेजी आ सकती है दोस्तों। यहाँ पे जो प्रमोटर है वो कंटिन्यू अपनी हिस्सेदारी सेल कर रहे हैं, जो मुझे यहाँ पे एक बड़ा कंसेंस पॉइंट लगता है कि यहाँ पे प्रमोटर को इतना सेल क्यों कर रहे हैं, इसका क्या रीजन रहा होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले प्रमोटर कौन है, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे नंदवन कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड करके इनके जो प्रमोटर हैं वो है, और यहाँ पे मेजॉरिटी स्टेक है बेसिकली जो 80% से ज़्यादा स्टेक है वो यहाँ पे पब्लिक के पास देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी अच्छी यहाँ पे दे रही है, ऑलमोस्ट ठीक ठाक कंपनी प्रॉफिट कर रही है जिस लेवल की कंपनी उसके अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें यहाँ पे कंपनी 0.46 लाख कंपनी यहाँ पे मतलब कि 46 लाख कंपनी नेट प्रॉफिट की थी Q4 क्वार्टर के अंदर, और मार्च में अगर आप देखें तो 10 करोड़ 64 लाख से सेल्स बढ़ के 13 करोड़ 2 लाख भी 2 लाख हुआ था, और 9 लाख से यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के 46 लाख हुआ। तो कंपनी का Q4 क्वार्टर अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा देखने को मिला था। यहाँ पे अगर हम बात करें जून क्वार्टर की तो जून क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट है वो यहाँ पे 50 लाख से प्लस देखने को मिल सकता है, क्योंकि मैं करोड़ बोल दे रहा हूँ हर बार, यहाँ पे लाख में है तो 0.54 करोड़ बोल सकते हैं, लेकिन 0.54 करोड़ नहीं बोल सकते, यहाँ पे 0.54 हम इसको करोड़ में बोल सकते हैं इस तरीके से दोस्तों। यहाँ पे 9.67 करोड़ का यहाँ पे सेल्स देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे सेल्स में भी इजाफा देखने को मिल सकता है, और ये जो मार्जिन इतना है वो मार्जिन मुझे लगता है कि यहाँ पे कंसिस्टेंट रह सकता है, और यहाँ पे कंपनी को अच्छा यहाँ पे मुनाफा देखने को मिल सकता है Q1 क्वार्टर के रिजल्ट्स में। तो 30 जुलाई 2024 को यहाँ पे रिजल्ट्स Q1 क्वार्टर का आता हुआ नजर आएगा ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड का, और दोस्तों यहाँ पे इस कंपनी का बैलेंस शीट ऑलमोस्ट कह सकते हैं ठीक ठाक है, किसी भी प्रकार की बैलेंस शीट में तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आता नजर आ रहा, और यहाँ पे एक तरह से डेप्ट फ्री ऑलमोस्ट वर्चुअली डेप्ट फ्री कंपनी आपको देखने को मिल ही रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे ऊर्जा ग्लोबल एक तरह से अगर हम बात करें मैक्सिमम जो रिटर्न अब तक दे चुकी है 1474% का यहाँ पे रिटर्न बना के दे चुकी है। एक तरह से ये स्टॉक एक टाइम 2017 में देखें तो 1.39 रुपया पे देखने को मिल रहा था, उसके बाद अगर हम बात करें कोविड टाइम पे तो यहाँ पे 96 पैसा 90 पैसा पे भी इसका शेयर प्राइस आपको देखने को मिल रहा था, लेकिन उसके बाद इस स्टॉक में एक बड़ी रैली आपको कंटिन्यू देखने को मिला है ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड के अंदर। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चले, और यहाँ पे आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं पहली बार विजिट किए हैं तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके चलिएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि ऊर्जा ग्लोबल आने वाले समय में 40 रुपये तक भी जाता हुआ फिर से वापस नजर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा ग्लोबल बेसिकली इनका जो फ्यूचर है फ्यूचर को लेके इन्वेस्टर काफ़ी पॉजिटिव रहते हैं, और यहाँ पे जो कंपनी का जो मैंने बिजनेसेस बताया है ये सारे बिजनेसेस आप देखिए इनके जो बिजनेस हैं कभी बंद होने वाले बिजनेस नहीं है, जो आज है डिमांड कल डिमांड खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं है। इनके आप देखें तो सेल्स ऑफ प्रोडक्ट से 95% की कंपनी यहाँ पे रेवेन्यू करती हुई नजर आती है। तो दोस्तों बस इतना ही इस वीडियो में, और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।